सो हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी सोई हुई है, थोड़ा सा उसका तबीयत सही नहीं है, तो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देकर मैं आया घर पे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर अभी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। चलिए वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। ये रहा मेरा बैट, ये बैट ले रहा हूँ मैं, और ये मेरा विकेट, सब विकेट ले ले रहा हूँ और क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं। तो मैं क्रिकेट खेलने गया था, वहाँ पर मैच उच हुआ, मैं दिखाया नहीं आपको क्योंकि मैं खेलने लगा था, और मैं अभी आ गया हूँ घर पे, और आगे कुछ होता है तो दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आया हूँ तो देखा कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मी घी निकाल रही है इसका, देखिए होममेड घी। और ये देखिए, इसको आप चीनी डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये घी निकल गया है। चलिए आगे कुछ होता है तो दिखाते हैं। हाय, और मैं रात के खाने में देखिए मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, पत्ता गोभी का, और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या डालती हूँ। देखिए पत्ता गोभी को मैंने धो लिया है, और इसको 400 ग्राम जैसे पत्ता गोभी है, इसको बारीक बारीक काट लूंगी मैं। ये देखिए मैंने बारीक काट लिया है इस तरह। मम्मी मंचूरियन का प्रिपरेशन बता रही है। ये पत्ता गोभी को मैंने बारीक काट लिया है, ये देखिए पत्ता गोभी को मैंने बारीक काट लिया है। इसमें हरी मिर्च थोड़ी सी, और अदरक लहसुन का पेस्ट देखिए इतना, और उसके बाद से 3 चम्मच मैदा है, 3 चम्मच अरारोट है, और ये देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर। हाँ लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरा मिर्च डाला हुआ है। देखिए स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, इसको इसको मिक्स कर देंगे ऐसे, और इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, इसमें खुद ही नमी आ जाएगा। इसको मिक्स करके रख दिया है साइड में। इस देखिए मुलायम हो गया है, और इस तरह बना बना के इसको रख दीजिए। देखिए ये बन के तैयार हो गया है, अब इसको फ्राई, ये फ्राई होगा, फ्राई करते तो दिखाते। देखिए तो ये फ्राई के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरा बनता है तो मैं दिखाता हूँ, और क्या क्या डलेगा वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए ग्रेवी में डालने के लिए लहसुन 1 घाट में से, उसमें से कम 10-12 काट ले, और ये प्याज है 1 बड़ा सा, और ये हरा वाला प्याज का पत्ता है, और ये शिमला मिर्च है, इसके छोटे छोटे टुकड़ा कर दिए। ये गाजर है, 3 मैंने गाजर लिया था, और 1 टुकड़ा शिमला मिर्च लिया है मैंने। उसके बाद ये देखिए ऊपर से सजाने के लिए ग्रीन वाला प्याज का पत्ता है, और ये लहसुन जो ग्रेवी में डलाएगा। देखिए तेल गर्म हो चुका है, तेल कम से कम 2 चम्मच बड़े चम्मच में, और देखिए लहसुन डालिए। ये ग्रीन लहसुन का पत्ता, उसके बाद ये देखिए ये प्याज, देखिए थोड़ा सा प्याज हल्का सा नरम हो गया, और इसे शिमला मिर्च डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, देखिए इसको भी ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा नरम हो जाए। ये देखिए हो गया है ये, और ये ग्रीन प्याज का, देखिए 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, एक चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, ये
दो चम्मच केचप टमाटर टमाटो सॉस और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और अजीनो मोटर लाता है तो नहीं है तो चीनी से ही काम चला लेंगे हम लोग दलिया बनाने के लिए एक चम्मच चीनी डाल देंगे। इसको गाढ़ा करने के लिए हमने देखिए इसमें एक चम्मच अरारोट में थोड़ा सा पानी मिलाकर इस तरह देखिए इसको इसमें डाल देंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा जो इसमें बच गया था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसमें डाल देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखना है तो थोड़ा और पानी मिला लें। इस तरह से इसमें मंचूरियन डाल के इसको अच्छा से मिला दीजिए और इसको सर्व करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए ग्रीन ओनियन से पत्ता से मैंने किस तरह सजा दिया है कितना खूबसूरत लग रहा है। और मंचूरियन हमारा बनके तैयार हो गया है। काफ़ी स्मेल से तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। खा के भी लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। एक नए ब्लॉग के साथ फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।